दोस्तों, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने ट्वीट किया था कि वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन एक अच्छी चीज़ है। उनके सिर्फ एक कमेंट से बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज आ गई है। बिटकॉइन 2.5 लाख रुपए से 24 लाख रुपए चला गया है मार्च 2020 से अब तक। आज की तारीख में ये डिजिटल करेंसी ग्लोबल हो गई है और बैंक ऑफ सिंगापुर ने तो यहाँ तक कहा है कि ये डिजिटल करेंसी हमारे सारे गोल्ड को रिप्लेस कर सकती है फ्यूचर में। तो क्या है ये बिटकॉइन और कैसे ये सब काम करता है, चलिए समझते हैं आसान सी भाषा में। बिटकॉइंस को हम क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। ये एक ऑनलाइन वर्जन है कैश का, जिससे कि आप अपना सामान या सर्विसेज खरीद सकते हो। लेकिन सारी कंट्रीज में अभी तक बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कुछ कंट्रीज में बिटकॉइन बैन है। धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और लास्ट ईयर ही पेपॉल, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है, उसने अनाउंस किया है कि वो अपने कस्टमर को बिटकॉइन में खरीदने और बेचने देंगे। हालांकि जो फिजिकल बिटकॉइन की आप फोटो देखते हैं वो कुछ नहीं है, उसके अंदर जो प्राइवेट कोड्स है उसकी वैल्यू है असल में। अब देखते हैं बिटकॉइन कैसे काम करता है। हर एक बिटकॉइन एक कंप्यूटर फाइल्स है, जो कि एक डिजिटल वॉलेट ऐप में स्टोर है, मोबाइल में या लैपटॉप में। कोई भी पर्सन आपको बिटकॉइन भेज सकता है आपके डिजिटल वॉलेट में और आप वो बिटकॉइंस को आगे दूसरों को भेज सकते हो। हर एक ट्रांजेक्शन बिटकॉइंस का पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन की मदद से ही बिटकॉइन की हिस्ट्री का पता चलता है और उसी की मदद से कोई भी किसी का बिटकॉइन की कॉपी नहीं बना सकता है और ना ही दूसरे का बिटकॉइन यूज़ कर सकता है। अब देखते हैं बिटकॉइंस कैसे मिल सकता है आपको। किसी भी फिजिकल आइटम की तरह आप बिटकॉइन को परचेस कर सकते हैं अपने असली पैसे से, जैसे कि रुपए या डॉलर जो आपके बैंक अकाउंट में है। दूसरा तरीका है, आप अपनी चीज़ें बेच सकते हो उस इंसान को जिसके पास बिटकॉइंस है और बदले में वो आपको बिटकॉइंस दे देगा। और तीसरा तरीका है, बिटकॉइंस कंप्यूटर से क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। अब देखते हैं नए बिटकॉइंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। बिटकॉइंस क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर्स को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करनी पड़ती है और जब ये सॉल्व हो जाती है तब उन्हें बिटकॉइन मिलता है। लोग बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर सेट करते हैं इसलिए, ताकि उन्हें बिटकॉइन मिल सके। इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही हैं, ताकि बहुत सारे बिटकॉइन जनरेट ना हो पाएं। अगर आप आज माइनिंग शुरू करोगे बिटकॉइंस की, तो सालों लग जाएंगे एक सिंगल बिटकॉइन मिलने में, जितने की एक बिटकॉइन की कीमत नहीं होगी, उससे ज़्यादा बिजली का बिल आ जाएगा कंप्यूटर का। अब देखते हैं क्यों बिटकॉइन इतने वैल्यूएबल हैं। इसका सीधा जवाब है कि बिटकॉइन इतने वैल्यूएबल इसलिए हो गए हैं क्योंकि लोगों को लगता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और उनकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि पैसों के अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिनको लोग अमूल्य समझते हैं, जैसे कि सोना और हीरा। इसी तरह बिटकॉइंस भी बहुत वैल्यूएबल हो गए हैं क्योंकि लोग उसके एक्सचेंज में आपको रियल गुड्स और सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि कैश भी। अब देखते हैं लोगों को क्यों चाहिए बिटकॉइंस। कुछ लोगों को ये फैक्ट सही लगता है कि बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल नहीं करती है और लोग अपने बिटकॉइंस बिना कोई ट्रेस छोड़े खर्च कर सकते हैं। जनवरी 2021 में एनुअल चैट में एलोन मस्क ने कहा कि वो बिटकॉइंस के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने कई बार सपोर्ट किया है ऑनलाइन करेंसीज का पिछले कुछ सालों में। विश्व में सबसे अमीर लोगों में होने के वजह से उनके किसी भी पॉजिटिव फीडबैक से बिटकॉइंस की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब देखते हैं बिटकॉइंस कितना सिक्योर है। बिटकॉइंस का हर ट्रांजेक्शन पब्लिकली रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके वजह से बिटकॉइन को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप अपना बिटकॉइंस के वॉलेट का आईडी लूज कर लेते हैं या बिटकॉइंस डिलीट कर देते हैं गलती से, तो आप उन्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। बिटकॉइंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हुई है 2009 से, जब से ये क्रिएट हुआ है। इसलिए काफ़ी लोग सोचते हैं कि अपना असली पैसे को बिटकॉइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना सेफ नहीं है। इसी को लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेड ने अक्टूबर 2020 में चिंता जताई कि वो बिटकॉइन को लेकर काफ़ी नर्वस हैं
और जो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। उनके कहने का मतलब था कि अगर इतनी वैल्यू जो कि बिटकॉइंस की है वो गिरती है तो इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।